द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर में ये लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें ग्रुपिंग मेथड से मोड को फाइंड आउट करने का मेथड इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करूंगा। इसके पहले के दो वीडियोज में मीन्स लेक्चर नंबर 23 एंड 24 में फॉर्मूला मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, ये दोनों मैंने डिस्कस किया था। सो मोड के कंप्यूटेशन में जो टोटल 3 मेथड होते हैं, फॉर्मूला मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड, इन तीनों में से ये थर्ड मेथड है, मेथड ऑफ ग्रुपिंग। यह मेथड तब यूज किया जाता है जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीटेड हो। हियर इट इज गिवन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड। सेकंड पॉइंट है द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर्स इन द वेरी बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो डेटा पॉइंट के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा या सबसे लास्ट में होगा, ये तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जब डिस्ट्रीब्यूशन में इरेगुलरिटीज की कंडीशन हो, मतलब ये है कि जो डेटा है, डेटा का कंसंट्रेशन किसी एक साइड में मैक्सिमम हो और दूसरे साइड में कम हो, तो ये जो इरेगुलरिटीज की कंडीशन है वो हमें इंस्पेक्शन के थ्रू पता चलेगा। डेटा के टेबुलेटेड फॉर्म को जब हम इंस्पेक्शन करेंगे तो उसी कंडीशन में हम ये समझ सकते हैं कि डेटा में इरेगुलरिटीज है। एंड दैट्स वाई द मेथड ऑफ ग्रुपिंग वुड बी अप्लाइड हियर फॉर कंप्यूटिंग मोड। तो ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो अगर एग्जामिनेशन में इसके स्टेप या इसके कॉन्सेप्ट को पूछा जाए तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बेसिक आइडिया और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखना जरूरी है और उस पर एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फ्रॉम द गिवन टेबल लोकेट द वैल्यू ऑफ द मोड बाई अप्रोप्रिएट मेथड। मार्क्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, अप टू 70 to 80 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50, 70, 80 एंड हियर 50। तो आप ये देख सकते हैं कि 50 से स्टार्ट हुआ 70, 80, इसके बाद 180, 150, बट इसके बाद फिर 70, 50 हो रहा है। तो जो डेटा का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 180 है, बट इस डेटा में कहीं ना कहीं से कुछ इरेगुलरिटीज हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके जस्ट पहले बहुत छोटी वैल्यू है बट इसके आगे इससे थोड़ा ही छोटा वैल्यू है 150 एंड इसके बाद भी 120। और यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो 80 के बाद इसके लमसम पास पास की वैल्यू है और यहाँ भी लगभग पास की वैल्यू है बट इसके बाद बिल्कुल छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर मॉडल क्लास इंटरवल 30 to 40 ये हम कंसिडर नहीं कर सकते, इस केस में हमारा मोड इनकरेक्ट हो सकता है। दैट्स वाई इन दिस केस वी विल यूज मेथड ऑफ ग्रुपिंग फॉर फाइंडिंग आउट मोड। नाउ जो मैंने यहाँ पर समझाया इसको राइटअप में कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन है ऑन एन इंस्पेक्शन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये इंस्पेक्शन मेथड से यूज होगा जब डेटा में इरेगुलरिटी होगी, तो इरेगुलरिटी के कंडीशन को ही आप इंस्पेक्शन से फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर कौन सा मेथड यूज होगा। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 180 है, कोरिस्पोंडिंग टू दैट क्लास 30 to 40, हियर 30 to 40, बट इट कैन नॉट बी चूजन एज मॉडल क्लास ब्लाइंडली बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज अमंग द अदर नेबरहुड डेटा, दैट इज डेटा आर कंसंट्रेटेड आइदर साइड ऑफ द मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास है, इस मॉडल क्लास के आइदर साइड जो डेटा है उसमें इरेगुलरिटीज है। यहाँ पर बिल्कुल ही छोटी वैल्यू है इस 180 से, बट इस साइड 180 से कुछ छोटी वैल्यू है, कुछ छोटी वैल्यू है, मतलब ऑलमोस्ट ये इरेगुलरिटी की कंडीशन इसके दोनों साइड देखने को हमें इस डेटा में मिल रहा है। नाउ 180 के बाद जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 150 एंड इसके नेबरहुड में 120 है। और जब इन दोनों को सम किया जाएगा 150 एंड 120, इन दोनों को जब हम सम करते हैं तो ये 270 आता है। एंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 180 व्हेन एडेड इन इट्स नेबरहुड फ्रीक्वेंसी 80 इट गिव्स 260। अगर हम 180 को 80 में सम करें तो यहाँ पर आपको 260 मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस क्लास इंटरवल कोरिस्पोंडिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हियर इट इज नॉट चूजन एज मॉडल क्लास। सो वी विल यूज ग्रुपिंग मेथड फॉर फाइंडिंग आउट मोड। तो सबसे पहले इस टेबल का हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम कुछ इस टेबल का इस तरह से यूज करते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि दो तरह के टेबल बनेंगे, पहला ग्रुपिंग टेबल एंड सेकेंड एनालिसिस टेबल। और इसी एनालिसिस टेबल के बेसिस पर हम फिर फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन वी कैन फाइंड आउट मोड। तो बाई इंस्पेक्शन आपको डेटा के इरेगुलरिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा
एंड आफ्टर दैट यू विल प्रिपेयर ए ग्रुपिंग टेबल लाइक दिस एंड देन एनालिसिस टेबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस टेबल यू विल फाइंड मोड बाय यूजिंग द फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला वाज एक्सप्लेन्ड इन लेक्चर नंबर 23 एंड दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो अप्लाइड हियर। तो जो डेटा सेट आपको दिया गया है उस डेटा सेट को सबसे पहले इस तरीके से अरेंज कर लेना होगा, मार्क्स एंड हियर फ्रीक्वेंसी। ये मार्क्स के अलावा ये कॉलम नंबर 1 होगा फ्रीक्वेंसी का। देन ग्रुपिंग इन टूज मींस ग्रुपिंग इन टू फ्रीक्वेंसीज एक्चुअली में। तो दो फ्रीक्वेंसी का ग्रुपिंग करने के लिए यहां पर दो कॉलम लिया जाएगा 2 and 3 एंड देन ग्रुपिंग इन 3 फ्रीक्वेंसीज। दैट्स व्हाई यू विल राइट हियर 4, 5 and 6। तो टोटल 5 कॉलम्स एक्स्ट्रा यहां पर देने पड़ेंगे इस अगर फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया जाए। तो मार्क्स के बाद मार्क्स की फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी के बाद टोटल 5 कॉलम्स एंड दीज 5 कॉलम्स आर कैटेगराइज इनटू 2 हेड्स ग्रुपिंग इन 2s एंड ग्रुपिंग इन 3s। तो ग्रुपिंग इन 2 का मतलब क्या हुआ कि ग्रुपिंग इन 2 में ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है इन दोनों फ्रीक्वेंसी का सम 50 + 70 ये आ जाएगा 120, 80 + 180 ये हो जाएगा 260, 150 + 120 270 हो जाएगा एंड 70 + 50 120 हो जाएगा। इसके बाद एक फ्रीक्वेंसी को यहाँ छोड़ दिया जाएगा और दूसरे कॉलम में 70 + 80 ये 150 हो जाएगा, मींस इन दोनों का सम। देन 180 + 150 इसका सम यहाँ लिखा जाएगा 330 एंड 120 + 70 ये 190 हो जाएगा। और जिस जिस कॉलम में ग्रुपिंग करने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आप अपने कॉपी पर इस तरह से सर्किल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने टाइप करके सब कुछ टेबुलेट किया हुआ है इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए मैंने अलग कलर यूज किया है 270 रेड कलर में, जो कि इस ग्रुप का मैक्सिमम वैल्यू है और थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 330 है। नाउ ग्रुपिंग इन 3। तो ग्रुपिंग इन 3 इसमें आपको क्या करना होगा कि ये जो पहले आपने 2 वैल्यूज को सम करके 120 लिया था, अब आपका काम है ये 3 वैल्यूज को या 3 फ्रीक्वेंसीज को सम करके इसके सामने लिखना जो कि फर्स्ट कॉलम में है, और जिसके सामने में आप लिखेंगे वहां पर आप ऐसे अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। इसको सम करेंगे क्या आएगा 50 + 70 + 80 200 हो जाएगा एंड देन 180 + 150 + 120 इन तीनों को सम करेंगे 450 आ जाएगा। और अब इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम आपका ये है, इसको आप सर्किल कर देंगे। नाउ अब इसके आगे के कॉलम को जब आप समराइज करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू को छोड़ देना है, मतलब जब जैसे जैसे आप एक एक कॉलम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऊपर के एक एक वैल्यू को या ऊपर के एक एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब फिफ्थ कॉलम में जब आप कंप्यूटेशन करेंगे तो ऊपर के 50 को छोड़ने के बाद 70 + 80 + 180 ये टोटल ऐड करके क्या आएगा 70 + 80 = 150 and 150 + 180 ये 330 हो जाएगा एंड यहाँ तक आपका कैलकुलेशन हो गया। नाउ 3 वैल्यू और लेना है 150 + 120 + 70 इन तीनों को ऐड करेंगे 340 आ जाएगा और ये इन दोनों में मैक्सिमम होगा, मींस इस कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उसको आप सर्किल कर देंगे। सिमिलरली यहां से 70 को छोड़ दिया जाएगा और 80 + 180 + 150 इन तीनों को सम करेंगे ये 410 आएगा एंड उसके बाद 120 + 70 + 50 ये लास्ट के 3 हो जाएंगे और इन तीनों का सम 240 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 410 है इस कॉलम में मैक्सिमम है। तो सबसे पहले आपने उस दिए हुए डेटा के बेसिस पर ग्रुपिंग टेबल बनाया और ग्रुपिंग टेबल के बेसिस पर आपने ये पूरे इसमें अरेंज किया और यहाँ से हर कॉलम का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है या मैक्सिमम वैल्यू है उस वैल्यू को आपने सर्किल कर लिया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिसिस टेबल को फॉर्मेट करना। नाउ एनालिसिस टेबल कुछ आप इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर कॉलम नंबर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स है वो आएगा 0 to 10, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड प्रोसीडिंग इन द सिमिलर वे 70 to 80। यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि 0 to 10 इसके बाद 10 to 20 ये नहीं लिखा गया है। तो टेबल को एनालिसिस करने के बाद जो ऊपर में ग्रुपिंग टेबल बनाया गया है उसकी एनालिसिस करने के बाद आप ये जो 0 to 10 यहाँ पर लिखा गया है इसको भी नहीं भी लिख सकते हैं और सिमिलरली 70 to 80 इसको भी नहीं लिख सकते हैं।
मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि आपको मैं एक्सप्लेन करके समझा सकूं और बता सकूं। अगर मैं यहाँ से 0 टू 10 और 70 टू 80 इन दोनों क्लास इंटरवल्स को हटा दूं, उसके बावजूद भी इस एनालिसिस टेबल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा या कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। ये और ये आप कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, जैसे इस क्लास इंटरवल के सामने में अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दिखाई देगी जो इस कॉलम के कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम वैल्यू रखती हो। तो इस 0 टू 10 को रखें या ना रखें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली 10 टू 20 में भी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि इसके भी सामने में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि किसी कॉलम के कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम वैल्यू हो। बट 20 टू 30 इस क्लास इंटरवल के सामने आप आएंगे तो ये कुछ यहां आ रहा है और ये 410 ये किस किस फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद आया। 20 एंड 30 इसके सामने में जो फ्रीक्वेंसी 80 है इसको प्लस 180 को एंड प्लस 150 को, इन तीनों को ऐड करके 410 ये आया। दैट्स व्हाई यू विल कंसीडर 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। सिमिलरली 50 टू 60 भी कंसीडर होगा क्योंकि इसके सामने में क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ 340 है एंड इसी क्लास इंटरवल के सामने में 270 भी आ रहा है क्योंकि 270 का भी जो वैल्यू है वो इन दोनों को ऐड करके आया है और 450 भी हो जाएगा क्योंकि जो तीन फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर किया गया है वो तीनों फ्रीक्वेंसी 30 टू 40, 40 टू 50 एंड 50 टू 60 इसके सामने में है। यहाँ पर 60 टू 70 इसको भी कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इसके सामने में जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो 340 है और 340 कैसे आया, 150 प्लस 120 प्लस 70 और इन तीनों के सामने में जो मार्क्स है या क्लास इंटरवल है इसको कंसीडर किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके एनालिसिस टेबल पे आप नजर डाल लेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये जो 0 टू 10 था इसमें कोई भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं थी जिसको कंसीडर किया जाना था, इसलिए यहाँ पर कुछ भी मार्क नहीं करेंगे, 111 नहीं लिखा। आप बहुत सारे बुक्स जब देखेंगे तो उस बुक में टिक किया हुआ मिलेगा या फिर टैली मार्क करके लिखा हुआ होगा। हर बुक का एक्सप्लेन करने का अलग अलग तरीका है बट सभी के कॉन्सेप्ट सेम है। ये 20 टू 30 यहाँ पर लिखा गया है 6 के सामने में 1। अब इसको देखते हैं कि कैसे है। 20 टू 30 इस क्लास इंटरवल के सामने जब आप आते हैं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 410 है और ये 6 कॉलम में मिल रहा है, इसलिए 6 के सामने में आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद 30 एंड 40 इसके सामने में आप आएंगे तो कौन कौन सा कॉलम आएगा जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रहा है। 30 टू 40 यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 330 है जो कि थर्ड कॉलम में आ रहा है। देन इसी के साथ 450 जो कि फोर्थ कॉलम में आ रहा है एंड 410 जो कि 6 कॉलम में आ रहा है। तो एक तो थर्ड कॉलम के सामने में आ जाएगा, फोर्थ कॉलम हो जाएगा एंड 6 कॉलम। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में भी लिखा हुआ है, इसको आप देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 180 है, इसको भी आप कंसीडर कर लेंगे और ये आपका ऊपर में 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपने मार्क कर लिया 1111। देन 40 टू 50 इसमें कितने आएंगे, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 एंड 6 1 को छोड़कर बाकी सभी में ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं वो सभी इस क्लास इंटरवल के अंदर में आ रहे हैं। तो 40 टू 50 यहाँ पर फर्स्ट कॉलम नहीं है, सेकेंड कॉलम का ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें लाई कर रहा है, थर्ड कॉलम का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इस 40 टू 50 में आ रहा है, देन फोर्थ कॉलम का 450 ये 40 से 50 के क्लास इंटरवल में आ रहा है, उसके बाद फिफ्थ कॉलम में 340 ये भी 40 टू 50 इसके अंदर में आ रहा है एंड देन 410 ये भी 40 एंड 50 इसके अंदर में आ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी इन सभी में आएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6 फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकेंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कॉलम। सिमिलरली जब आप आगे प्रोसीड करते जाएंगे तो 50 टू 60 में यहाँ पर तीन ऐसे कॉलम हैं जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें लाई कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 टू 60, 50 टू 60 में 270 आ रहा है, 450 आ रहा है एंड देन 340 आ रहा है। तो इसी तरह से आप मार्क कर लेंगे 50 टू 60। सिमिलरली 60 टू 70 इसमें फिफ्थ कॉलम ऐसा है जिसमें एक ऐसी वैल्यू है जो
60 टू 70 में आ रहा है और 70 टू 80 इस क्लास इंटरवल में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि किसी भी कॉलम में मैक्सिमम हो, तो ये निगलेक्ट कर देंगे। यहां पर आपका उस ग्रुपिंग टेबल के बेसिस पर एनालिसिस टेबल प्रिपेयर हो चुका है। तो यहां से आप अब समझ सकते हैं कि अगर इस 0 टू 10, 10 टू 20 इन दोनों को छोड़ दिया जाए और 70 टू 80 इन दोनों को भी छोड़ दिया जाए तो इस एनालिसिस टेबल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, यहां से ये जो जितने भी मार्क्स आपने किए हुए हैं इन सभी को आप ऐड कर लेंगे, इसमें 1 आएगा, ये टोटल 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 1 0। तो अब इस टोटल में आपको देखना है कि सबसे मैक्सिमम कौन सी है, यह है 5, और ये 5 कहां लाई कर रहा है, 40 टू 50। दैट्स व्हाई दिस 40 टू 50 इज द मॉडल क्लास ऑफ दैट डेटा सेट। आपको जब ये मालूम चल गया कि 40 टू 50 ये मॉडल क्लास है तो जस्ट अब आप इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे जो कि लेक्चर नंबर 23 में यूज किया था मैंने, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल यू कैन ऑल्सो यूज दिस टेबल, बोथ टेबल आर सेम फॉर द रिक्वायर्ड डेटा सेट। यहां पर आपका मॉडल क्लास इंटरवल 40 टू 50 है और उसके अगेंस्ट में जो फ्रीक्वेंसी है ये 150 है, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है ये 150 हो जाएगा और प्रेसिडिंग क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 180 कंसीडर करेंगे और सक्सीडिंग क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 120 यहां पर होगा। इसके बाद आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि फॉर्मूला मेथड में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, दिस वन। Now, by inspection, the mode seems to lie in the class interval 30 to 40, but this is not a fact. The analysis table shows that the maximum total 5 is against the class interval 40 to 50. So, we choose it is model class and therefore the formula is used. Where F1 is the frequency of model class, F0 is the frequency of preceding class, F2 is the frequency of the succeeding class interval and H is the common width, that is 10, and here L is equal to 40. So here it is written from the database and putting all these value in the formula, this, and you will find 43 as mode. Hence the model mark of the student is 43. Now here one question is given for you, calculate the mode from the following data set. Ye ek data set hai jisme ye wages hain aur सम वर्कर्स आर देयर, तो आपको वेजेस का मोड फाइंड आउट करना है जिसका आंसर 43.5 आएगा। इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें हिंट दे दूं कि ये जो वेजेस का क्लास इंटरवल है इसको कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पर ग्रुपिंग टेबल का यूज करके मोड को फाइंड आउट करेंगे, आपका आंसर 43.5 आएगा। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही, जिसमें आज के इस वीडियो में मैंने ग्रुपिंग मेथड से मोड को कैसे फाइंड आउट करें इस पर डिस्कशन किया और किन किन कंडीशन में ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं ये भी मैंने बताया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अपने कॉपी पर इन सभी मैटर्स को नोट कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप। तो इसी तरह के स्टैंडर्ड लेवल के वीडियो मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी बिल्कुल ही क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट एक्टिविटी की कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप एक्सेस कर पाएं और देख पाएं और उससे आप नोट प्रिपेयर कर पाएं। लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।